नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी में एक जरूरी डिवाइस जरूर लगाना होगा। इसको लेकर ही हमारे पास आज एक जरूरी खबर है। आमतौर पर जब भी आप अखबार उठाते होंगे तो आप ऐसी खबरें जरूर पढ़ते होंगे कि बिहार में सड़क हादसों की संख्या और इनसे जान गंवाने वालों की संख्या को कम करने के लिए सरकार से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सड़कों को दुरुस्त करने, ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के साथ ही साथ अब बिहार के वाहन चालकों को भी नियमों के प्रति पाबंद बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में सड़क हादसों के पीछे एक बड़ी वजह वाहनों को बेलगाम रफ्तार से चलाना है। एरिया चाहे जो भी हो, वाहन चालक आबादी वाले इलाकों में भी धड़ल्ले से अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हैं, जिस पर ही लगाम लगाना अब एक चुनौती बन गया है। यही कारण है कि अब परिवहन विभाग ने स्पीड गवर्नर की जांच तेज कर दी है। वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए व्यावसायिक वाहनों में लगे स्पीड गवर्नर की जांच के लिए सभी जिलों के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर विशेष अभियान चलाया गया है। इसी जांच अभियान में ये पता चला है कि कई वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे होने के बावजूद काम नहीं कर रहा है। वहीं कई वाहन तो ऐसे हैं जिसमें स्पीड गवर्नर नहीं लगे थे। इन्हीं वाहन चालकों से बीते दिन जुर्माने की वसूली की गई। साथ ही सभी वाहन चालकों को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाने का काम कर ले। इसको लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों में स्पीड गवर्नर होना अनिवार्य है। इससे ही सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। ऐसे में अभी इस अभियान को बिहार में जारी रखने की मुहिम शुरू की गई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने सभी लोगों को हेलमेट, इंश्योरेंस और प्रदूषण के कागजात को भी दुरुस्त रखने की सलाह दी है। इसके नहीं होने पर जुर्माना और ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। ऐसा ही नियम चार पहिया और अन्य बड़े वाहनों में अगली सीट के सवार सवारी के लिए भी सीट बेल्ट के लिए नियम सख्त है, जिसके तहत ही स्पीड गवर्नर लगाने में आपको भी खूब फायदा होगा। अब आइए जानते हैं कि जिस स्पीड गवर्नर को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है और सभी गाड़ियों में इसे लगाने की बात हो रही है, वो आखिर है क्या। तो हम आपको बता दें कि स्पीड गवर्नर किसी भी वाहन को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। इसमें एक निश्चित गति से ऊपर वाहन नहीं चल पाता। स्पीड 40, 60 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट समेत सिटी टैक्सी परमिट वाले वाहनों में भी ये लगाया जाता है। ये वाहन के इंजन के साथ लगता है। चालक स्पीड अपने हिसाब से तय करने के लिए इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसके साथ ही उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी गाड़ियां स्पीड गवर्नर से लैस होगी। अगर आपने अपनी गाड़ी में स्पीड गवर्नर नहीं लगवाया है तो जल्दी करें, क्योंकि अगर आप राजधानी पटना में रहने वाले हैं या बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले हैं तो आने वाले समय में अगर आप जांच में पकड़े जाते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। हालांकि बहुत जरूरी है कि जुर्माने से बचने के लिए नहीं, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए आप अपनी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर जरूर लगवाएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।